हाय गाइस, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ास व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हां, 3-4 फिर उसका सूट का जो बॉर्डर है ना, वो लगा देना उसमें। भाई वो जॉर्जेट वाला कपड़ा तो हल्का ही है। अच्छा ठीक है, हां ऐसे लगा दें। प्लीज देखिए इन मां बेटी के शाम 5:30 बजे की चाय, एक मग भर के चाय, 2 देसी घी के पराठे, साथ में एक लड्डू, पनीर की सब्जी। कैसे कर रही दाते? ये है इसके पतले होने का राज है। मैं पतली कहूँ, मोटी हो रही। बाबा अच्छा लड़ रही है मौसम है। किस लिए? क्यों, मैंने क्या कर दिया? आज तेल लगे बालन में लगी, जो 10 साल पहले रही तू। बिंदी तेल लगे बाल, कहीं लिपस्टिक लगी, कहीं छुटी मतलब वही हम तो वही, कहीं लगी कहीं छुटी। जब सुबह नहा धो के जब तू कर ले रही तेल लगे बालन में, वो हालत है आज। ऐसे भी रहना चाहिए कभी कभी। सही बात है, ऐसे ही रहना चाहिए कभी कभी का। पर ऐसे लग रहा सिर्फ भारी भारी तेल लगा के। हाँ आदत ना रही ना तेल लगाने की। दादी के चेहरों में के लड्डू चाय के साथ एंजॉय करती हुई लड्डू। हाँ। चटाई पे तब बज गया ना, कहीं तुम माँ बैठी वहां बैठी हो, बता हद कर गई। मैं भी तेरे को ये खिलाई थी थोड़ी देर पहले, रोटी सब्जी छाछ जो छोड़ के भागी। आज क्या बना रही है? डिनर कुछ बढ़िया सा बना दे, लजीज सा। कड़ी बना, कड़ी लजीज है। और कितने दिन से बनी नहीं है? हाँ, बिल्कुल बना रहे थे। किस खुशी में डांस चल रहा है टीम का? टी-शर्ट बदलवा लूं? टी-शर्ट गीली होगी ना, हमने फेस वॉश किया था तो टी-शर्ट गीली हो गई है। अच्छा इसको चेंज कर लेते। मेरी तो सही है, मेरी देख ली कि तेरी भी गीली है। गीली है ना तेरी, थोड़े बहुत लगे। मैं भी चेंज कर लूंगी, तो कोई बात नहीं, तेरे सूट पड़े हैं। चलो चलो पकड़ूंगी इधर का। पकड़ो 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 पकड़ो। बाय कर दो, बाय कुछ बाय कर दो। दादी तो सोई पड़ी, तू बाय कर दे मेरे से। बाय बाय, जाओ या वॉकर में जानो। ऊपर ले जाऊंगी। बाय बाय जिना। सो अभी हम लग गए शाम के खाने की तैयारी, और मैं सब्जी बनानी थी इसलिए मैं टमाटर भून रही थी, और यहाँ पे मम्मी कर रही है जीजू की बात। अभी ये भगवान का बेटा हूँ ना। हाँ इधर हमें कैसे भगवान गए बाद में? और न्यू गाड़ी का अवार्ड मिला, न्यू गाड़ी टांगे तेल लाता है यार। नहीं नहीं तो कैसे भगे भगे रहे हैं बार कैसे भगे? दिखाओ सही। मम्मी बेटा खुशी है, बेटा खुशी क्यों ना? पर जाके नाम तो जा फोटो ले लो बात तो नहीं होनी। दो तीन महीने इंडिया में हो गए, जब चले जाओ बाहर ले जाओ।
जो पहली बार। सो इसी बीच हमारा टमाटर हो गया, मैंने धो के उसको छिलका निकाल लिया। क्या? सुबह है ना? वो भी है? वो भी चलेगा। पूछ लूंगी एक बार इसे क्या खाएंगे। सो फाइनली डिसाइड हुआ कि आज शाम को हम बनाते हैं आलू मटर की सब्जी और साथ में सैलेड रायता वगैरह ऐसा कुछ बना लेंगे। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में सब्जी को छोंक दिया और साथ में टमाटर मैंने भून के डाले थे, वो आपने देख लिए छिलका उतार के इस तरह से, क्योंकि बच्चों के मुंह में जो टमाटर आता है ना, आज मैंने ग्रेवी नहीं बनाई, कभी कभी स्टाइल से बना लेते हैं तो वो ना खाते नहीं हैं, उनको नखरे होते हैं, तो मैंने छिलका पहले उतार दिया था ताकि उनको पता ही ना चले। और ना ये सरसों के तेल में बनाई थी ना, तो इसमें क्या हुआ थोड़ा सा मतलब अच्छे से धुआं निकालने के बाद भी उसमें हल्का सा कालापन आ ही जाता है जो भी सब्ज़ी हम सरसों के तेल में बनाते हैं, तो वही था। वैसे तो काफ़ी टेस्टी बनी, उसमें का एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर होता है स्मोकी सा। सो सिंपल सब्जी है, इसमें हरी मिर्च लहसुन अदरक सब डाला है, सारे बेसिक मसाले डाले और 3 सीटी लगाई इसमें, क्योंकि मटर उबली हुई नहीं थी, साथ में ही मैंने इसमें सीटी लगा दी। और बनाऊंगी अब प्याज की सलाद, जो प्याज होती है ना इसमें मोटे छिलके वाली वो ले ली मैंने, और उसको काट के ठंडे पानी में भिगोना, एकदम ठंडा पानी हुआ तो बर्फ़ वाला, बट मेरे पास फ्रिज का ही था, काफ़ी ठंडा था वो, तो उसमें मैंने इसको डिप कर दी। तो उससे कैसे जो जो जैसे मिर्च जैसे झल होती है ना वो निकल जाती है, तो बहुत अच्छे से सोक कर ली उसको। फिर उसके बाद उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च डाली, लाल मिर्च कश्मीरी वाली, लाल मिर्च नहीं कश्मीरी वाली मिर्च थी, और सो नींबू डाला, चाट मसाला डाला, काला नमक डाला, नमक डाला, तो उससे ना बहुत अच्छी सी चटपटी सी सलाद बन गई प्याज की, जैसी मार्केट में मिलती है सेम वैसी ही चटनी वगैरह के साथ मिलती है ना, उस टाइप से बना सकते हैं। गर्मियों में तो प्याज की सलाद काफ़ी अच्छी लगती है। टमाटर वगैरह मैंने अलग से काट लिए थे, बच्चे तो खाने में कभी इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं, बाहर का कुछ भी मंगा लो कितने बजे भी मंगा लो वो तो ये बड़े मज़े से खा लेते हैं, बट घर की चीज़ों के लिए इतने नखरे करते हैं, तो इसके लिए इनके लिए साथ में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। नॉर्मल सलाद काट दो तो वो नहीं खाएंगे, बट हाँ अगर इसी तरह से थोड़ा सा दे दो तो मे भी थोड़ा सा बहुत इंटरेस्ट दिखा देते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज करते रहो अपने खाने में, थोड़ा सा अच्छा दिखे इन्हें तो भी ये खा लेते हैं। और साथ में मैंने बनाई है पुदीने की लस्सी, छाछ जो होती है उसमें तड़का लगाया जीरे पुदीने का, यहाँ पे पुदीने के पत्ते थे वो मैंने सुखा लिए और उनको क्रश करके डाल दिया इसमें, साथ में जीरा भून के डाल दिया, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया इसमें। आप चाहें साथ में बूंदी डाल लो, ना चाहें तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रही थी। सो आजकल तो डीवा के इतने नखरे बढ़ रहे हैं, उसको चाहिए होता है हर टाइम छत पे जाओ, घूमने जाओ, डांस करना है, म्यूज़िक सुनना है, तो दीदी के साथ उसको जाना था घूमने तो वो चली गई, मैंने कहा तू ले जा चले तो मैं काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये डीवा का ही पुराना टॉवल था, अब यूज़ में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी यूज़ हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे ये किचन के यूज़ में ले लिया है और इस तरह से इस पे बर्तन रख दी, क्योंकि जो साइड में स्टैंड है उसमें बड़े बर्तन नहीं आते और मैं इनको ना ऐसे ही लगाती थी तो पानी ना नीचे टिप टप होता था और सारी किचन गीली गीली, फिर वहाँ पर भी पोछा लगाओ, तो इसके लिए मैंने अब ये यूज़ कर लिया है, उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हो गई है, सारा पानी इसी में आ गया और बर्तन आसानी से सूख गए। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से कपड़े से साफ़ किया और लगा दिए, तो सो इस छोटी सी चीज़ से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई, जो सारा पानी नीचे गिरता वहाँ मुझे पोछा मारना पड़ता, वो गीला किचकिच होता, तो वो सब बच गया टाइम मेरा। और यहाँ पे डीवा और उसके पापा खेल रहे हैं काना के साथ, और मैंने अपने इतने सारे में किचन विचन सब क्लीन कर दी। गाइज मुझे हमेशा आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, आप अपना वेट लॉस का कब बताएंगे, कब बनाएंगे, मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ वही मैं खा रही हूँ और इसी के थ्रू मेरा वेट लॉस हो रहा है। बट कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे रात में फ्रूट्स आ गए थे तो इनको कट कर दूँगी, रात में तो मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ क्योंकि रात में फ्रूट्स खाना इतना ठीक भी नहीं रहता, सलाद ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेचुरल शुगर होती है जो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता, रात में फ्रूट्स कम ही खाएँ तो बेटर है, बट आप उसको दिन में खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए। तो रात को मैंने सारे फ्रूट्स धो के वॉश करके अच्छे से रख दिया, कुछ फ्रूट्स कट करके रख दिए थे मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग में मैं अपने लिए जो ब्रेकफास्ट अब प्रेफर कर रही हूँ आजकल क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे चिया सीड्स लिए हैं, जितने मैं 1 या 2 चम्मच लेती थी उससे काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स लगा लीजिए 8-10 चम्मच चिया सीड्स होंगे। और मैंने 1 ग्लास दूध में इनको भिगो के इसमें मैंने थोड़ा सा हनी डाल के इसको रात भर के लिए
सोक करके रख दिया। और ये जो इस तरह से रैपिंग पॉलीथीन होती है ये मेरे पास थी, तो इसे अच्छे से रैप करके रख दिया है। तो क्या होगा ना, इससे अच्छे से सोक हो जाएंगे रात भर में। सो अभी गर्मी इतनी है, इसको बाहर नहीं छोड़ सकते वरना दूध ख़राब हो जाएगा। सो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया और ये अच्छे से सुबह मुझे सोक हुए मिलेंगे। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देकर जीतो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस lotus365.in पर। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे हु विल विन मैच या हु विल विन टॉस, इस तरह के 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे जिनके ओपिनियन देकर आप जीत सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस। lotus365 पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 hours तक का कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा हैं 200 से ज्यादा क्वेश्चन जिनका ओपिनियन देकर आप जीत सकते हैं अपने लिए काफी ज्यादा प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो देरी मत कीजिए, अभी जाइए और lotus365.in पर अपने आप को रजिस्टर करिए और जीतिए ढेरों प्राइजेस। तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ पे जाकर डायरेक्ट उसको डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। तो मैंने इसको सुबह निकाल लूँगी और देखिए सारे भीग गए हैं, अच्छा सा जेल जैसे हो गए हैं आपस में। और यहाँ पे फ्रूट्स मैंने कट कर दिए थे और थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स मैंने ले लिए हैं, आप चाहें तो स्पेशल के या कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रॉबेरी सिरप, स्ट्रॉबेरी थी नहीं, तो एक ग्लास में मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एम्बल करूँगी। देखिए अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। मॉर्निंग में मैंने सोचा चलिए अभी डीवा सो रही थी, उसके पापा अपने जिम वगैरह गए थे, कान्हा भी स्कूल जा चुका था, तो मैंने सोचा चलिए आज शुरुआत नाश्ते की इसी से करते हैं। यहाँ पर मैंने चिया सीड्स ले लिए, उसमें मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स डाले, थोड़े से फ्रूट्स जो मेरे पास थे अवेलेबल, मैंगो वगैरह भी ले लिया। डाइट के टाइम पे मैंगो वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ले लो ठीक है, बट मीठे फ्रूट्स अवॉइड करके विटामिन सी वाले ज़्यादा लें तो बेस्ट है। तो मैंने उसको अच्छे से दोबारा से जितना चिया सीड्स बचे हुए थे वो और डाले और उसके ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप ले लिया और इसको मैंने खूब अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय करा। बहुत ही अच्छा था, काफ़ी न्यूट्रिशन था इसमें। देखिए चिया सीड्स तो वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है इनमें, और इसको खाने के बाद मुझे काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। खाने के बाद अगर आप 12-1 बजे तक नहीं खाते हैं कुछ भी तो चल जाता है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ चाहते हैं कि सुबह जल्दी से कुछ बन जाए फटाफट और भूख भी ना लगे और हेल्दी भी हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको आप दूध के जगह दही के साथ भी सोक कर सकते हैं, चिया सीड को सिंपल पानी में भी कर सकते हैं, फिर आप इनको किसी चीज़ के साथ भी मिला के खा सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये एक नाश्ते का, और ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको ट्राई करेंगे अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग पे हैं और ब्रेकफास्ट में ये ले रहे हैं या दिन में किसी एक टाइम भी अपने मील में इंक्लूड कर रहे हैं तो बेस्ट है, इससे बहुत जल्दी आपका वेट रिड्यूस होगा। सो गाइज़ हेल्दी खाने के बाद अब मैं चलती हूँ बाकी सबके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आज सबको खाने थे आलू की सब्ज़ी और आलू की ही पूरी, तो यहाँ आलू की पूरी के लिए देखिए मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, धनिया पत्ते और हरी मिर्ची वगैरह भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी, चिली फ्लेक्स वगैरह। और यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी के लिए लिया है धनिया, पुदीना इसमें मेन है, और इसमें चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा जैसे ये है सब चीज़ें, काला नमक वगैरह डाल के, टमाटर थे इसमें, हरी मिर्ची थी, तो उनका एक पेस्ट बना के मैंने डाल दिया और सिंपल आलू फोड़े और उसी में डाल दिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सामान डला नहीं, जो भी मसाले थे वो मैंने मसाले पीसते टाइम ही डाल दिए और आलू में डाल दिए। इस तरह की सब्ज़ी मैंने ट्राई करी, ये इस तरह की सब्ज़ी हमने मथुरा वगैरह में खाई है, जब सब्ज़ी पूरी के साथ मिलती है ना वहाँ पर कचौड़ी के साथ, उसी टाइप की सब्ज़ी आज मैंने ट्राई करी। उसमें बहुत ही अच्छा एक रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर होता है, तो वो पुदीने का होता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ये पूरी हमारी फूली बन गई क्योंकि थोड़ी तेज गरम ऑयल था। सुबह जो मैंने अपना नाश्ता करा ना उसके बाद मैंने ये खाया, तो ये खाने तक भी मुझे भूख नहीं लग रही थी। सो गाइस मेरे बाल हो गए आज काफी ज्यादा ड्राई, अभी मैंने वॉश नहीं करे, हाथों में ली थी, मैंने सोचा आज बालों में कुछ अच्छा सा पैक वगैरह लगाती हूँ फिर उसके बाद इन्हें वॉश करूंगी। अभी डिवस हो गई है, सो मैं आज जो लगा रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। चावल तो मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट हैं, कुछ भी चीज़ हो मैं फेस के लिए बालों के लिए चावल हमेशा यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे हैं। इसका मैं बैग बनाऊंगी, चावल, दही और ये है मेरे पास कैस्टर ऑयल, बस इन तीन चीज़ों का पैक बनाती हूँ इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके। सो चावल हमें अच्छे से बॉयल करने हैं, इतने ज़्यादा बॉयल कि एकदम मिक्स हो जाएंगे,
और आजकल मैं अलमारी ठीक है, मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल बॉयल होने के बाद उनका पेस्ट बना के मारा लगाऊंगी, कितने बॉयलर में खाली कर लेती हूँ, फिर पेस्ट बना के फिर मैं ठीक कर दूंगी। डिवा होने से पहले मेरा ये वीक का रूटीन था कि एक वीक में अपनी अलमारी ठीक कर लेती थी, इसको मतलब मेंटेन ही रखती थी, ख़राब होने नहीं देती थी। बट अब सुबह जल्दी उठ के नहाना और जल्दबाजी में कपड़े रखने, जल्दबाजी में निकालने में बहुत ज़्यादा मैसी सी हो जाती है, तो अब एक महीना लग जाता है इसको ठीक करने में। अब इसको सारे को, या तो पहले मेरा ऐसा होता था सिर्फ समर विंटर में पूरी अलमारी खाली होती थी, बाकी मैं उसे ठीक करती रहती डेली बेसिस पर, बट अब जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो आज काफ़ी दिन बाद ठीक कर रही हूँ। डिवा यहाँ पर सोई हुई है और मैं अपना जो मेरे चावल थे काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो लिए और उनको मैंने मिक्सी में कर लिया था ग्राइंड, उनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, उसमें मैंने दही ऐड कर ली। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और काफ़ी ड्राई भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ पेस्ट, ताकि अच्छे से बालों में थोड़ा न्यूट्रिशन जाए। और यहाँ पे मैंने कैस्टर ऑयल ऐड कर लिया। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली नॉर्मली घरों में जैसे नहीं मिलेगा कई लोगों को, तो आप इसकी जगह ना कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, और एलोवेरा जेल मैंने एक्स्ट्रा डाला है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये बालों में लगाना, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में विटामिन ई डाल सकते हैं अगर आपके पास वो है तो। और देखिए, दही और चावल तो हर किसी के घर में होते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये दो चीज़ें मेन हैं, इसको तो आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए। बट कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो अब यहाँ पे मैं अपने कपड़े कर लूँगी, इतने मैंने बालों में लगा लिया। खुले बालों में ना थोड़ा थोड़ा उसे लग रहा था सारा चिपचिप सा, सो मैंने इनका जूड़ा बांध लिया। अगर आप चाहें तो इसे खुला भी रखिए, तो इससे एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट से भी होने लगते हैं। बट केराटिन से देखिए स्ट्रेट तो होते नहीं हैं, स्मूथ ज़रूर हो जाते हैं। सो मैंने बालों में ये लगा लिया और इसके बाद मैंने अलमारी ठीक करी अपनी सारी, और यहाँ पे मैंने अपने जितने भी कपड़े थे उनको मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया कि कौन से डेली वियर के हैं, कौन से अभी इस मौसम के अकॉर्डिंग पहने जाएंगे। जो कम यूज़ वाले हैं वो मैंने उस तरफ रख दिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इनर लगा हुआ था, या फिर आने जाने में जैसे पहन लो इस टाइप से डेली वियर वाले इधर रखे हैं, कुछ हैंगर में हैंग कर दिए। तो इस तरफ से अपने अकॉर्डिंग अपनी अलमीरा कर सेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारी नीड होती है ना उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज़र वगैरह काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनसे चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा बास्केट वगैरह होंगी तो उनमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी होंगी, जगह जगह नहीं फैली होती हैं, तो वो भी मैं रखती हूँ। और फाइनली मेरी अलमीरा इस तरह से लगी थी, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 40 से 45 मिनट हो गए मुझे इसे रखे हुए, प्रॉपर ड्राई हो गया है। अब मैं वॉश कर लेती हूँ अपने हेयर। सो मेरे जाने के बाद निकी खान आ गए, उन्हें कैमरा दिख गया, उन्होंने यहाँ पे अपनी मस्ती शुरू कर दी। उन्होंने रिकॉर्ड तक काफ़ी कुछ किया हुआ था, बेफालतू की बातें हैं, वो सब मैंने कट कर दी। और इनको ऐसे ही होता है, कहीं कैमरा मिल जाए तो ये ऐसे करने लग जाते हैं। तो अभी ये लोग चले गए थे घूमने, इनकी आउटिंग थी, आज ये लोग बाहर गए थे, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। डीवा मैं और उसके पापा ही थे घर पे, तो डीवा के लिए बना रही हूँ मैं खिचड़ी। आप लोग पूछते हैं बेबी को क्या खाना देते हो, तो बेबी के लिए मैं कुछ भी बना लूँ, वो कुछ कुछ खास ऐसे पसंद करती नहीं है। उसको पराठे दे दो, रोटी दे दो, या फिर चावल दे दो, खिचड़ी दे दो, वो नहीं खाती है ज़्यादातर। वो या तो अभी मेरा फीड लेती है, या फिर वो लेती है दही वगैरह ले लेती है थोड़ा बहुत, सेरेलैक्स, तो मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती ही उसे खिलाना पड़ता है। नॉर्मली बेबी जैसे मेरी भी है, उसको कम खाना मतलब इतना शौक़ है नहीं। तो यहाँ पे डीवा की खिचड़ी है, जिसमें मूंग दाल, चने की दाल और चावल ये हैं, थोड़ा सा पालक बॉईल किया हुआ रखा हुआ था वो डाल दिया, साथ में उसके में मैंने थोड़े से आलू डाला है कि वो खा ले, और साथ ही साथ बन रही थी मेरी मैगी। शाम का टाइम हो गया था, चाय के साथ मैगी का। डीवा पीछे खेल रही है अपने वॉकर में, इस तरह से वो मस्ती करती रहती है। सो यहाँ पे एक पिंच नमक और एक पिंच ही हल्दी उसके लिए डालूंगी, बहुत कम नमक डलेगा और बहुत थोड़ी सी हल्दी। और देसी घी में मैंने उसको तड़का लगाया है, या फिर मक्खन में बना सकते हैं, रिफाइंड या सरसों का ऑयल नहीं खिला रही हूँ। बस इसी में डिवा की खिचड़ी बनेगी, और साथ में बन रही है मैगी, तो मैगी बनेगी खूब चटपटी उसके पापा की। उसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह सब जो भी सब्जियां घर पे अवेलेबल थी वो डाल दी, मैगी मसाला और एक्स्ट्रा जो मैगी मसाला आता है वो भी डाला, नींबू डाला, मटर डाली और पानी डाल के खूब अच्छे से बनाई उसमें फ्लेवर वाली। बट इनको थोड़ी क्रिस्पी मैगी पसंद है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाला और पानी थोड़ा कम रखा और उसको ढक के बना दिया, तो काफ़ी अच्छी क्रिस्पी सी बनेगी। और यहाँ पे डीवा की मैं खिचड़ी हो गई है तैयार, दो तीन खिचड़ी सीटी लगाई उसमें खिचड़ी में, वो हो गई रेडी। और अब बना लेती हूँ मैं साथ में चाय, इतने मैगी तैयार हो रही है, अदरक तुलसी की चाय बनाऊँगी।
सो इतने जिसकी खिचड़ी बनी है अकेले खेल के उगती बोर, फिर मैंने इसके पापा को बुलाया कि इसको लेके जाओ, ये रो रही है, थोड़ा सा परेशान हो रही है, मैं इसकी खिचड़ी लेके आ रही हूँ और चाय भी डाल के लाती हूँ। तो इतनी देर में ये और ये सो गई और मैं गई तो देखा डीवा सोई हुई थी, तो सब कुछ बना बनाया वेस्ट ही गया क्योंकि उसने वो खाई नहीं। उसके बाद जब उठी तो फिर उसको तो कुछ और ही खाना था। और साथ में आपको डीवा की भी ओवरवाइज मिल रही है क्योंकि ये मेरे साथ बैठी हुई है, तो इसी तरह से मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है गाइज। जब ये डीवा सो जाती है या फिर खेल रही होती है थोड़ी बहुत देर में, तब मैं इसके साथ एडिटिंग करती हूँ। यहाँ पे हमारा भी काम हो गया था तो मैंने सोचा चलो अपना थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ और हमने अपनी चाय वगैरह इन्जॉय करी। बस इसी तरह रहा हमारा आज का दिन। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना ज़रूर। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय। Thank you.